राहुल गांधी को लगा एक और बड़ा झटका। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द, मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने ठहराया था दोषी। दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद चुने गए थे। आपको बता दें, मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने दोषी ठहराया था। इस मामले में उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई थी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। वह आपके और इस देश के लिए लगातार सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हर षड्यंत्र के बावजूद वो ये लड़ाई हर कीमत पर जारी रखेंगे और इस मामले में न्याय संगत कार्रवाई करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे, हम डरने या चुप रहने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री से जुड़े अडानी महाघोटाले में JPC के बजाय राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र, ओम शांति। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने बीजेपी ने अयोग्य ठहराने के सभी तरीके आजमाए हैं, जो सच बोल रहे हैं उन्हें वो रखना नहीं चाहते, लेकिन हम सच बोलते रहेंगे, हम JPC की मांग जारी रखेंगे, जरूरत पड़ी तो लोकतंत्र बचाने के लिए जेल भी जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने पर देश के लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत बताए। शशि थरूर ने ट्वीट करते हुए कहा कि अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही इसकी तेजी से मैं स्तब्ध हूँ, ये दस्तानों से ओझल राजनीति है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक अशुभ संकेत है।